Good morning, students. In previous class, we studied the other organs of the human system. Now today we are studying the circulatory system. Circulatory system means flow of blood in the body. तो सबसे पहले ब्लड के फ्लो के लिए हम सबसे पहले हार्ट का डायग्राम स्टडी करेंगे. ये आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे ले लेते हैं. हमारा हार्ट जो है वो आपको मालूम है हमारे थोरैक कैविटी में सिचुएटेड है और हार्ट की जो स्ट्रक्चर है वो लगभग हमारे फिस्ट के बराबर यानी एक मुट्ठी के बराबर मानी जाती है. लगभग 300 ग्राम इसका वेट होता है. इसमें मेनली फोर चैम्बर्स होते हैं. अपर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रियम एंड लोअर टू आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स. जो ये जो हार्ट है हमारा, इसमें यहाँ पर ये पूरा हिस्सा अगर हम माने लेफ्ट साइड और ये जो पूरा माने राइट साइड. ये जो लेफ्ट साइड है इसको भी फर्दर टू पार्ट में डिवाइडेड है. अपर वाला चैम्बर जो है लेफ्ट एट्रियम और जो लोअर वाला है लेफ्ट वेंट्रिकल. इन दोनों का सेपरेशन के बीच में बायकस्पाइड वॉल यानी दो लेयर का वॉल्स होते हैं. राइट साइड देखें तो वही दो चैम्बर्स है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. और यहाँ पर जो दोनों का सेपरेटिंग वॉल है वो क्या है आपका ट्राइकस्पाइड वॉल. इसके अलावा राइट साइड पूरा लेफ्ट साइड से सेपरेट करता है जिसे हम बोलते हैं सेक्टर. इससे ये टोटली एक दूसरे से सेपरेट करता है. हमेशा लेफ्ट साइड प्योर ब्लड रहता है और राइट साइड इम्प्योर यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है. अब हमें इसमें ब्लड का मूवमेंट देखना है कि ब्लड इसमें से कैसे बॉडी पार्ट्स में फ्लो करता है. तो बच्चे सबसे पहले ये तो मालूम है आपको ब्लड जो है वो आर्टरीज और वेन्स के थ्रू होता है. दे आर द ट्यूब्स या दे आर द ट्यूब्स विच हेल्प्स टू कैरी द ब्लड. आर्टरीज ऑलवेज कैरी द प्योर ब्लड एंड वेन्स ऑलवेज कैरी द इम्प्योर ब्लड. ठीक है, इसके डिफरेंसेस आप छोटे क्लासेस में बहुत आराम से पढ़ चुके हैं. अब हम इस ब्लड का बॉडी में सर्कुलेशन देखते हैं. हमारे ये अगर हमने हार्ट की स्ट्रक्चर देखे और ये हमारे लंग्स और यहाँ पर हमारे बॉडी पार्ट्स मतलब जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं वो. सबसे पहले हम ब्लड जो है स्टार्ट करते हैं लंग्स से. ठीक है, लंग्स से प्योर ब्लड जो भी ब्लड है ब्लड की अमाउंट जो है वो तो सेम है 5 to 6 लीटर. जो ब्लड है सबसे पहले लंग से आता है. जब लंग से आएगा तो कौन सा ब्लड होगा यहाँ पे, ये प्योर ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड, इसको बोलते हैं प्योर ब्लड. ये प्योर ब्लड लंग से लेफ्ट एट्रियम में आता है इसके थ्रू पल्मोनरी वेन के थ्रू. बच्चे यहाँ पे एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी. आर्टरी होते हुए ये इम्प्योर ब्लड कैरी करती है और ये वेन होते हुए ये प्योर ब्लड कैरी करता है. तो ये एक्सेप्शन है. पल्मोनरी वेन से जैसे ही प्योर ब्लड इसमें आया, आने के बाद ये जो प्योर ब्लड है ये वॉल कौन सा वॉल है, ये बायकस्पाइड वॉल. ये बायकस्पाइड वॉल ब्रेक हुआ. ब्रेक क्या कहें हम, ओपन हुआ. ओपन होते ही जो प्योर ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में फिल हो गया. अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे 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 फिल होता जाएगा ये जो वॉल्स है ये कैसे होते जाएंगे, बंद होते जाएंगे. बंद होंगे तो ब्लड इसी में भरता रहेगा और भरेगा तो एक प्रेशर क्रिएट करेगा और उसी से ये जो ऑर्टा है जो कि मेन आर्टरी है उसका वॉल एकदम से क्या हो जाएगा, ओपन. ओपन होते ही ब्लड है इसमें चढ़ जाएगा और प्रेशर के साथ जैसे चढ़ेगा तो लबडब साउंड प्रोड्यूस करेगा. कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एन हार्ट प्रोड्यूसर लबडब साउंड विच मेक्स एन वन हार्ट बीट. ये जो ब्लड हमारा पूरा यहाँ ऑर्टा में चला गया. अब ऑर्टा से कहाँ गया है, ये पूरे बॉडी पार्ट्स को हमारे लिम्स में हमारे हर पार्ट में चला गया. उन सब ने उसका यूज किया, यूज करके उसको डीऑक्सीमेट इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला दी. तो अब जो ब्लड हो गया यहाँ से जो निकलेगा वो कौन सा होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड. ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये वेना केवा एक मेन वेन है उसके थ्रू राइट ऑर्टरी में आ गया, राइट एट्रियम में आ गया. राइट एट्रियम आया, राइट एट्रियम से वही राइट वेंट्रिकल में आएगा, वही ट्राइकस्पाइड वॉल्स को ओपन होंगे. ओपन उनका ब्लड इसमें भरता जाएगा. ठीक है, अब यहाँ से ये जो है यहाँ का प्रेशर कम होता है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट ब्लड से फिल हो रहा है. फिल होने के साथ साथ पल्मोनरी आर्टरी से प्योरिफिकेशन के लिए लंग्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और इस ढंग से ये सर्कुलेशन चलता रहता है. इसी को हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम. व्हाई, बिकॉज एक साइकिल में हमारा एक साइकिल क्या है, पूरा ही साइकिल हो गया. लेकिन इस एक साइकिल में यह हाफ टाइम देखें तो एक साइकिल मतलब एक साइकिल में दो बार ये हार्ट को क्रॉस कर रहे हैं. कैसे, लंग से आया तो ये हार्ट से होता हुआ बॉडी पार्ट चुका है, ये एक साइकिल हो गया और यहां से फिर आया वापस इसमें आया और इससे कहां चला गया, लंग्स को. तो इस ढंग से इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. अच्छा, इसके बाद
मेकर. पेस मेकर जो है हमारे एक्चुअल में इट इज एन ऑटोमेटिक एक्साइटेशन मशीन, कि जो वो मशीन जो अपने आप इम्पल्सिस प्रोड्यूस करती है. हमारे बॉडी में पेस मेकर प्रेजेंट है. हमारा जो हार्ट है उसकी राइट एट्रियम की वॉल के ऊपर एक साइनो एट्रिकुलर नोड पाई जाती है, जो कि उसमें अपने आप इम्पल्स स्टिमुलस स्टार्ट होता है और उसी स्टिमुलस के कारण इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्टार्ट होता है. तो ये जो नोड है जिसको हम बोलते हैं एस ए नोड, इस नोड को ही हम पेस मेकर कहते हैं, क्योंकि अपने आप स्टिमुलस इसमें स्टार्ट होता है. सो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर दिस सर्कुलेटरी सिस्टम वेल. सो नाउ आई एम शेयरिंग सम नोट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक. यू हैव टू बी कॉपी डाउन इन योर नोटबुक. टिल देन, गुड बाय.